हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की डेट में अगर आपको अगर खाना ना मिले 8-10 घंटे तो चलता है, अगर पानी ना मिले तो चलेगा, बट गाइस आपको आधा घंटा इंटरनेट अगर नहीं मिलता, एक्सेस नहीं होता तो आप परेशान हो जाते हो। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो इंटरनेट के ऊपर है कि इंटरनेट क्या है और ये आप तक कैसे पहुँचता है और इसका मालिक कौन है। तो गाइस इनिशियल की डेट में गाइस जब इंटरनेट बना था तो ये सिर्फ साइंटिस्ट लोग या फिर इसका जो यूज़ था काफ़ी लिमिटेशन था और इसका जो रिसोर्सेज थे बहुत कम थे। तो साइंटिस्ट जब इसका यूज़ करते थे तो सिर्फ डेटा एक्सचेंज के लिए या फिर प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है उसको शेयर करने के लिए इसका यूज़ होता था, जो कि आपके सेटेलाइट से के थ्रू ऑपरेट होता था। बट गाइस आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो हम फाइल्स शेयर करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, प्लस वीडियोज़ देखते हैं काफ़ी हैवी हैवी, एंड हमारी शॉपिंग पोर्टल्स है, ई कॉमर्स, तो इस चीज़ के लिए गाइस काफ़ी अच्छी स्पीड चाहिए होती है और कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए होती है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर। अगर गाइस मैं कहूँ आपसे, दो कंप्यूटर को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे गाइस अगर आपका ऑफिस का कंप्यूटर है वहाँ से लेके एक ऑप्टिकल फाइबर आपके घर तक लगाया जाए, तो गाइस आपका जो कंप्यूटर है आपके ऑफिस के कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है आपको पता चल जाएगा, तो गाइस ये आपका फ्री हो जाता है। पर गाइस एक दो कंप्यूटर से जोड़ने से आपको इंटरनेट का मज़ा आने वाला नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन तब आएगा जब आप सर्वर से, बहुत सारे सर्वर से, जितने भी लिस्टेड सर्वर हैं दुनिया में उससे कनेक्ट होते हैं, तब जाके आपको पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो गाइस इसी के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाए होते हैं, जो कि जिसको हम सबमरीन केबल भी कहते हैं, जो कि समुद्र के अंदर बिछा है, जो कि पूरे पूरे दुनिया में इसका एक जाल बिछा हुआ है। तो गाइस इसका डेमोस्ट्रेशन करते हैं। मैं हूँ SS बीच, आप देख रहे हैं टेक्टिकल बीच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो गाइस चलते हैं डेमोस्ट्रेशन की ओर। तो गाइस ये सबमरीन केबल है जिसको समुद्र में इस तरह से बिछाया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो पानी का जहाज है या फिर कोई भी इक्विपमेंट है उसके थ्रू इसको समुद्र में बिछाया जाता है। एंड गाइस इसका जाल बहुत बड़ा है, मैं आपको आगे की स्लाइड में इसका मैप दिखाने वाला हूँ कि ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड को इसने कनेक्ट किया हुआ है सबमरीन केबल के थ्रू। और पूरा वर्ल्ड गाइस जो 90% इंटरनेट यूज़ करता है सबमरीन केबल के थ्रू करता है, और उसका जो गाइस मेंटेनेंस होता है कुछ इस तरह से होता है, समुद्र के नीचे ये टेक्नीशियन काम करते हुए गाइस इस तरह से ये काम होता है ताकि आपको और हमको इंटरनेट लगातार 24/7 मिलता रहे। एंड गाइस ये आपका सबमरीन केबल है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, इसके जो वायर देख रहे हैं गाइस पतले पतले, इनकी जो बैंडविड्थ जो कैपेसिटी है 1000 Gbps/s की होती है। एंड बात करते हैं गाइस इस सबमरीन केबल की लाइफ की, ड्यूरेबिलिटी की, 25 ईयर्स तक ये चलते हैं, उसके बाद इनको चेंज कर दिया जाता है। और गाइस कभी कभी ये बीच में ही टूट जाते हैं एक्सीडेंट से, लाइक जैसे ये पानी के नीचे होते हैं काफ़ी, तो पानी का प्रेशर होता है तो वायर ब्रेक हो जाती है, या फिर समुद्री जीव होते हैं वो टकरा जाते हैं, या फिर शार्क होती है वो चबा जाती है। तो उसका मेंटेनेंस के लिए, इसको मॉनिटर के लिए इनकी जो कंपनी होती है 24/7 समुद्र में ही रह के इसको मॉनिटर करती है। तो गाइस ये है आपका सबमरीन केबल मैप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी इस साइट पर आ सकते हो, मैप को सर्च कर सकते हो। तो गाइस ये देखिए ये आपका सबमरीन केबल मैप है, जितने भी आपके केबल बिछाए गए हैं ये सबका मैप है, इसने पूरे वर्ल्ड को जोड़ा हुआ है, आपको ये पूरे सर्वर से कनेक्ट करती है जो भी लिस्टेड है। अब बात करते हैं गाइस इंडिया की, तो इंडिया में इसका लैंडिंग पॉइंट मुंबई है, त्रिवेंद्रम, कोची एंड चेन्नई, जो चेन्नई वाला राइट में राइट साइड के सर्वर को, राइट साइड की कंट्री के सर्वर से आपको कनेक्ट करता है। एंड जो गाइस इंडिया का सबसे जो ट्रैफिक वाला जो लैंडिंग पॉइंट है वो मुंबई है, क्योंकि सारा जो भी ट्रैफिक होता है मुंबई से होके निकलता है, और जो उसका बैकअप होता है गाइस जैसे कुछ वायर ख़राब होता है तो बैकअप कोची होता है, जो भी ट्रैफिक है वो कोची के थ्रू घुमा के भेजा जाता है। सो गाइस ये Tier 1 का काम होता है, Tier 1 इंडिया की Tier 1 कंपनी टाटा टेलीकॉम है, उन्होंने यहाँ बिछा दिया है, लैंडिंग पॉइंट तो ला गए हैं। अब इससे आगे गाइस काम होता है Tier 2 कंपनी की, और इंडिया की Tier 2 कंपनी जो है आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल एंड जियो है। उसके बाद फिर ये जियो वाले या फिर ये Tier 2 वाले Tier 1 कंपनी से मिलते हैं, इनकी डील होती है, और डील में फिर ये आगे का काम ही अपने हिसाब से देखते हैं, आगे फिर ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हैं देश के अंदर एंड अपने टावर खड़े करते हैं। अब मान लीजिए गाइस जैसे कि जियो ने अपना टावर लगा दिया आपके एरिया में, और उस समय आपके एरिया में सिर्फ 100 कंज्यूमर्स हैं, और जो टावर की जो बैंडविड्थ कैपेसिटी है वो 1000 Mbps है, तो गाइस क्या होगा कि अब उसको 10 से डिवाइड करके सभी को 10 10 Mbps मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक स्पीड है। बट गाइस उसके बाद जैसे ही उसमें अगर
कंज्यूमर बढ़ते हैं, अगर 100 से 1000 हो जाते हैं तो गाइस स्पीड कम हो जाती है, नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो उस केस में या तो कंपनी नया टावर खड़ा करेगी या तो फिर उसकी बैंडविड्थ वैल्यू कैपेसिटी बढ़ाएगी ऑप्टिकल फाइबर लगा के। इस तरह से गाइस ये टीयर टू का काम होता है। अब उसके बाद टीयर थ्री आता है। टीयर थ्री गाइस जो हमारे एरिया के लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे कि हैथवे, तिकोनिया, वो लोग टीयर टू वाले से डील करके फिर इंटरनेट को आपके घर तक पहुँचाते हैं, उनको भी कुछ अमाउंट देना पड़ता है। तो इस तरह अमाउंट कंज्यूमर से होकर टीयर वन तक पहुँचता है। टीयर वन वाले इसका मेंटेनेंस में पैसा लगाते हैं। अब बात करते हैं गाइस सर्वर का। अब जैसे कि यहाँ से आप कोई सर्वर, अगर आप किसी सर्वर को आप अगर अब जैसे कि हमने फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर कोई भी वेबसाइट में अगर आप सर्च करते हो तो ये डायरेक्ट आपको एक इंडियन सर्वर है, डायरेक्ट इंडियन सर्वर से कनेक्ट करता है। अगर आप उस पर प्रॉक्सी लगा के प्रॉक्सी के थ्रू जाओगे तो गाइस वो बहुत घूम के आएगा, उसमें देर लगेगा। गाइस एक निक्सी होती है जो कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी एंड टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री और IPS ने मिल के एक ये डिसाइड किया है कि कोई भी जैसे इंडिया टू इंडिया वेबसाइट होता है, इंडिया टू इंडिया सर्च होता है तो वो इंडियन सर्वर पर आए, ना कि इन सबमरीन पे जाए। जिससे क्या है कि वो प्रॉक्सी लग जाएगा, उससे बहुत टाइम लगेगा। इसका गाइस एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी जैसे कि सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई भी ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो उससे क्या होगा कि वो इस पे नहीं जाएगा। अगर वो सबमरीन पे चले गया तो दूसरे जो सर्वर होते हैं उनके ऑपरेटर वो जान जाएंगे ट्रैफिक में क्या आपका डेटा लीक हो सकता है और सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए लोकल सर्वर होते हैं। इंडिया टू इंडिया आपने कोई सर्च करना है तो डायरेक्ट आपको लोकल सर्वर जो कि मुंबई है, जो कि बैंगलोर है, उससे कनेक्ट करवाता है। इससे क्या है वो जल्दी भी काम होता है और आपका काम तेज़ी से भी होता है। बात करते हैं गाइस निक्सी पे। निक्सी पे आते हैं गाइस, ये ट्रैफिक देखती है कहाँ पर कितना ट्रैफिक है। तो गाइस ये रहा इस तरह से ट्रैफिक ऑफ मुंबई गाइस, ये है 68 GBps है जो कि बहुत ज़्यादा है पर सेकंड के हिसाब से, और ये 8 बजे से बढ़ता है रात के 12 बजे तक। उसके बाद फिर ये नीचे गिरता है, इस टाइम पे गाइस सब सोते हैं, ऑफिस का काम नहीं होता। उसके बाद गाइस फिर ये 8 बजे फिर ये बढ़ जाता है बिकॉज ऑफिस खुल जाता है, काम शुरू हो जाता है। ये दिल्ली का है, मुंबई के अगर अकॉर्डिंग दिल्ली का देखा जाए तो तकरीबन आधा है, आधा यूज़ है 36। चेन्नई का भी अब कम है। अब बात करते हैं गाइस इंडियन, जो कि इंडिया में जो फाइबर नेटवर्क बिछे हुए हैं वो गाइस इस तरह से मैप के थ्रू आप देख सकते हैं गाइस, ये कश्मीर से ले कन्याकुमारी तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक सारा जो ऑप्टिकल फाइबर है टीयर टू टीयर थ्री कंपनी ने बिछाया हुआ है। रेलटेल का जो कंपनी है वो बिछाती है, और गाइस ये इस तरह से बिछाती हैं। जो भी आप देखते होंगे ये काम, ये आपके होते हैं ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। बहुत सारे को लगता है कि ये इलेक्ट्रिक वायर है, गाइस मुझे भी ये लगता था पहले, जब मैंने फिर इस पर एक्सप्लोर किया, काफ़ी R&D किया तो मुझे समझ में आया। एंड गाइस जैसे आप रोड के किनारे पे ये होल देखते होंगे आपको लगता होगा कि इलेक्ट्रिक काम चल रहा है, कुछ रोड का मैन्युफैक्चरिंग काम चल रहा है, बट गाइस यहाँ ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहे होते हैं या फिर उनका मेंटेनेंस या फिर उनको सही कर रहे होते हैं। तो गाइस इसी कारण है कि इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर को देश में बिछे हुए हैं, इस तरह से हमको नेट हमें इंटरनेट मिलता है। सो गाइस वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसे लगी है कमेंट में बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो गाइस इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।